ओके आज हम लोग जानेंगे भारतीय रेलवे जोन का मुख्यालय के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं रेलवे एग्जामिनेशन के लिए। सो आज हम लोग जानेंगे किस रेलवे जोन का कहाँ मुख्यालय है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर रेलवे एग्जामिनेशंस। सो अकॉर्डिंग टू NTPC ग्रुप डी एंड सी ऑल रेलवे एग्जामिनेशंस इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रेलवे जोन्स। ओके तो हम लोग जानते हैं, जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि ये हमारा पार्ट्स जो है कि पूर्व है ना, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हमारा पार्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ईस्टर्न जो ईस्ट जोन है उसका मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता है ना, कोलकाता, ठीक है। तो ईस्ट जोन का मुख्यालय हमारे यहाँ कहाँ है, कोलकाता। तो आप लोग जानते हैं हमारे देश में जो है कि महानगर जो है, ईस्टर्न जो महानगर है वो कोलकाता है ना, नॉर्थ में दिल्ली और वेस्टर्न जो है वो है मुंबई और साउथ में जो है हमारा चेन्नई। ये चार महानगर जो है, ये चारों महानगर में अपना अपना जोन्स है, ठीक है। तो पूर्व का रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता। पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई। वेरी इजली वी विल डिस्कस हियर। ओके सो बहुत आसानी तरीके से हम लोग यहाँ पर इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब ये चारों महानगरों के बीच वाले पार्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। तो बीच का मतलब मिडिल, सेंटर है ना। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। ओके तो मध्य रेलवे का भी मुख्यालय मुंबई है और पश्चिम रेलवे का भी मुख्यालय मुंबई है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, दो दिशाओं के बीच वाले दिशाओं का हम लोग रेलवे जोन को स्टडी करेंगे। जैसे आप जानते ही होंगे कि ये है उत्तर और ये है पूर्व, ये दोनों के बीच वाली दिशा को हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्व। सो उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय जो है ये है गोरखपुर। उत्तर पूर्व का रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर है। और अगर उसी तरीके से हम लोग दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय जानेंगे तो वो भी कोलकाता है। तो यहाँ पूर्वी रेलवे का भी मुख्यालय जो है कि कोलकाता और दक्षिण पूर्व रेलवे का भी मुख्यालय कोलकाता है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, कुल जयपुर है। ओके नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय कहाँ है, हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, हुबली। ओके नेक्स्ट, पूर्व मध्य के बीच में जो पार्ट्स हुआ उसको हम लोग बोल रहे हैं पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो है हाजीपुर। उसी तरीके से हम लोग पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसमें हम लोग बात करें तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है, जो कि अब प्रयाग नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद, ठीक है। नेक्स्ट,
हम लोग बात करेंगे सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गुवाहाटी। सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है बिलासपुर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमेशा ये पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि न्यू वाले हमेशा पूछे ही जाते हैं, ये वाला हमेशा पूछे ही जाते हैं बिलासपुर, ठीक है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है और दक्षिण तटीय मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो वो है विशाखापट्टनम। दक्षिण तटीय मुख्यालय का रेलवे मुख्यालय कहाँ है तो विशाखापट्टनम, और उसी तरह से पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो है भुवनेश्वर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम लोग आज डिस्कस करने कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो 18 जोन में हम लोग रेलवे को डिवाइड किया गया है, रेलवे जोन को। सो एक और यहाँ पर है मेट्रो। मेट्रो रेलवे आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले मेट्रो रेलवे कोलकाता में स्टार्ट हुआ था, तो वो भी मेट्रो का भी मुख्यालय वहाँ कोलकाता में है। तो इस प्रकार से हम लोग आज स्टडी किए हैं रेलवे जोन के बारे में, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशंस, अकॉर्डिंग टू योर रेलवे NTPC एग्जामिनेशंस। अंडरस्टूड? ओके ओके, थैंक यू।